प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं प्रमोद कोठारी जी। प्रमोद जी राजस्थान से हैं और अभी कनाडा में रहते हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत आभार जी आप लोगों का कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया। जी, और दर्शकों साथ में अवनीश शर्मा जी भी हैं आज हमारे साथ। अवनीश सर राम राम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रमोद जी आपका स्वागत है। जी संदीप जी शुरू। दर्शकों जैसा आप देख पा रहे हैं प्रमोद जी जो है वाकई कनाडा में हैं और ये क्या बेहतरीन सुंदर जो है विजुअल दिख रहा है पीछे अद्भुत। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि बाहर बैठे हुए हैं ठंड में, काफी ठंड में, बर्फ में। तो प्रमोद जी बहुत समय आपका नहीं लिया जाएगा जी आपसे एक बेसिक सवाल। आपसे बातचीत हुई थी हमारी और आपने जो हमारा पिछला वीडियो था बाबा रामदास जी के साथ, तो सवाल एक बहुत ज्यादा जो दर्शकों के और सबके मन में, जनता के मन में घूमड़ रहा है कि ये किसान का आंदोलन के नाम पे उतरे हुए जो लोग हैं, एक तो ज्यादातर वो पंजाब के ही दिखते हैं, सिखधारी, वैसे ही विजुअल में वही दिख रहे हैं, ठीक है, इस बार तो कोई हरियाणा से कोई कहीं और से भी नहीं है। दूसरा, इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो बात है, ये जो कह रहे हैं कि पिछली बार भी इन्होंने गाने गाए थे, कुछ लोकगीत बना लिए इन्होंने अपने, मर्जा मोदी, हाय हाय मोदी, और हमें खालिस्तान बनाना है। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी एक इच्छा है खालिस्तान बनाने की, एक हद तक मान लेंगे। तुमको हिंदुओं से, मोदी से नफरत की, मतलब इस हद तक की, वो जी 147 है वो फिर हम ले आएंगे और इंदिरा गांधी नोट छठ कट जो भी है इन लोग का, मतलब वो, और इस बार ये कि फरीदपुर से बच गया था, अब इस बार आएगा तो नहीं जाने देंगे, जी और ये वहां का हर आदमी बोल रहा है। सर आप जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये समस्या क्या है हिंदुत्व से या मोदी जी से या किसी से भी इनकी, जबकि मोदी जी ने आज तक कोई एक शब्द, कोई एक व्यवहार ऐसा नहीं किया है जिसमें इनकी बेअदबी की गई हो, उल्टे इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत और अपना भाई, मतलब जिस प्रकार से प्रकाश पर्व वगैरह मनाते हैं मोदी जी, वो तो अद्भुत होता है। जी प्रमोद जी साहब, भारत की मीडिया को, भारत की एजेंसियों को और भारत की सरकार को और भारत के लोगों को एक बात, बड़ी बात बड़ी ध्यान से सुनना। आज तक किसी ने सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे ये बात कही नहीं है और ये ग्राउंड की सच्चाई है। 2017 की बात है, मैं टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने गया था। मेरे साथ एक महान भाव थे, वो भी पंजाब से ही थे, किसान परिवार से ही थे। उस टाइम कोई किसान आंदोलन नहीं था, कोई अत्याचार नहीं था, कोई कानून नहीं था, कुछ नहीं था। एयरपोर्ट में जब वो जाते टाइम लाइन में खड़े थे, लाइन बहुत लंबी थी तो बातें करने लग गए। वो मेरे मित्र ही थे, अच्छे हैं, अभी भी हैं वो। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गाली निकाली, अभद्र टिप्पणी कही। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कभी, मोदी जी तो अभी 2 साल पहले आए हैं, आपको इनसे क्या समस्या है भाई, आपने इतनी अभद्र टिप्पणी क्यों की? तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब हम एयरपोर्ट वाले क्रिया से खत्म होकर के जब हम रस्ते में थे गाड़ी में, तब मैंने उनसे सीरियस नोट पे पूछा, मैंने कहा आप बताओ तो सही, मेरे को पता तो लगे। जो बात उन्होंने बताई वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमोद भाई, ये व्यक्ति जो था, जिस हिसाब से भारत के अंदर अराजकताओं की सरकार चल रही थी, गठबंधनों की सरकार चल रही थी, कभी किसी को तोड़ लिया, कभी किसी को मोड़ लिया, जिस हिसाब की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उस देश के अंदर, हमें यह था कि जो रेफरेंडम हम 2020 में करवा रहे थे, जिस रेफरेंडम के लिए हमने 2020 रेफरेंडम के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो रेफरेंडम के टाइम हम खालिस्तान की नींव खोद देते और उसके अंदर पत्थर डाल देते। लेकिन इस व्यक्ति ने आकर के उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा इसने भारत को एक पॉलिटिकल लीडरशिप दे दी है, इससे हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा और उसने कहा कि इसने हिंदुओं को जातियों से ऊपर उठ करके और अपने देश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए एक कर दिया है, इसलिए हमें इससे नफरत है। हमें इससे नफरत इसलिए है क्योंकि इसने इसने हमें एक परमानेंट डैमेज कर दिया है। मैं कहा जी परमानेंट कैसे डैमेज कर दिया? उस टाइम योगी आदित्यनाथ भी आ चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैंने कहा जी परमानेंट कैसे? कह रहा है आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के किसी भी देश के पास लीडरशिप नहीं है। चाहे अमेरिका लगा लीजिए, फ्रांस लगा लीजिए, जर्मनी लगा लीजिए,
कह रहा है इसने ना सिर्फ भारत को 15-20 साल के लिए अपने नेतृत्व में एक लीडरशिप दे दी है, बल्कि इसने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, इवन फोर्थ लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर दी है। जैसे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, के अन्नामलाई जैसे लीडरशिप आ रहे हैं ना भाजपा के अंदर, और ईमानदार लीडर्स हैं। समस्या इस चीज से है, और समस्या सिर्फ इन भाई साहब लोगों को नहीं है जो ये बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पे, इन पूरी दुनिया को यही समस्या है कि जहां की पूरी दुनिया लीडरशिप के लिए जूझ रही है, तरस रही है, कोई उनकी समस्याओं को एड्रेस करने वाला लीडर नहीं है, और भारत को इतना स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे मिल गया, समस्या इस चीज से है। तो पर्सनली जो आम ये लोग नफरत कर रहे हैं, वो तो इस वजह से नफरत कर रहे हैं कि हमारे मंसूबों पे पानी फिर गया। उसने एक बात और मेरे को बड़ी महत्वपूर्ण कही उस वक्त, कह रहा है कि हम तो ये सोच के बैठे थे कि इन अराजकता सरकार और ये गठबंधन की सरकारों की वजह से 2020, ज्यादा से ज्यादा 2025 में हम भारत को सिविल वॉर में धकेल देते। मैंने कहा सिविल वॉर में, मैं कहा तुमको क्या फायदा था सिविल वॉर से? उन्होंने कहा कि सिविल वॉर में अगर भारत चला जाता तो हम अपना हिस्सा तोड़ के अलग कर लेते, हम अपना देश, अपना खालिस्तान अलग बना लेते। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने, उसने फिर गाली निकाली, इस नरेंद्र मोदी ने वो सिविल वॉर आगे धकेल करके और 50 साल आगे लेकर के चला गया है। मैं कहा होगी, मतलब करा होगी, लेकिन ये है कि हमारे जीवन काल में नहीं होगी। समस्या यहां है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो 2004 में आई थी, मनमोहन सिंह खुद सरदार था, क्यों नहीं लागू कर दी 10 साल के अंदर? कोई पूछने भी आया था कि साहब स्वामीनाथन रिपोर्ट आपके पास आई है और आप जरा लागू कर दीजिए इसको, कोई पूछने तक नहीं आया। जैसे ही एक राष्ट्रवादी और एक पॉलिटिकल स्टेबल लीडर आया जो कि भारत को एक विकसित देश की तरफ और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, उनको समस्या होने लग गई और उसके ऊपर आ गया। एक और सबसे बड़ा कारण ये जो अभी लेटेस्ट 5-10 दिन पहले ही पता लगा है कि एकदम से उग्र क्यों हो गए हैं और एकदम मारने मराने पे आतुर क्यों हैं। ये जो मंदिर बन रहे हैं ना साहब, ये मंदिर धरती की जमीन पे नहीं बन रहे, धरती पे नहीं बन रहे, ये क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के और इनके छाती पे बन रहे हैं। जिस हिसाब से भारत का युवा के अंदर चेतना आ रही है, जिस हिसाब से छोटे छोटे लड़के धर्म की बात करने लग गए हैं, सनातन की बात करने लग गए हैं, इन लोगों को समस्या ये है कि हम ये जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कि जिस हिसाब से सनातन बढ़ रहा है, ये हमें अपने आप के अंदर संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 9258 बार राम और कृष्ण का शब्द का यूज होता है। अब उस शब्द का यूज होता है तो उसके रेफरेंस में दो दो चार चार लाइनें भी होंगी। कल्ला तो ये तो है नहीं कि एक शब्द लिख दिया यार बात खत्म। अब उस एक शब्द के ऊपर जब दो दो चार चार लाइनों का रेफरेंस होगा तो 9000 को आप चार लाइनों उससे गुणा करिए तो कितना मेटेरियल उस पवित्र ग्रंथ में जो है वो सनातन को लेकर के दिया गया है। इनको ये है कि जिस हिसाब से सनातन का प्रमोशन हो रहा है उस हिसाब से तो जो है हमारे लिए समस्या है। कारण ये है। एक और इनका मेन कारण ये है। हाँ जी बोलिए। नहीं आप अपना कारण बताइए प्लीज, मैं अपनी बात बाद में पूछूंगा जी। तो पहला कारण नफरत का जो था वो सिविल वॉर को अवॉइड कर दिया। दूसरा कारण नफरत का जो है वो सनातन का रिवाइवल है, और वो सनातन का रिवाइवल सिर्फ भारत में नहीं है, वो सनातन का रिवाइवल पूरी दुनिया में है, और वो पूरी दुनिया में इस हद तक है कि आज रशियन गोरा भी हरे कृष्ण हरे राम कर रहा है, आज कनाडा के अंदर जो गोरा बैठा है, जो अमेरिका के अंदर गोरा बैठा है, जो इंग्लैंड के अंदर गोरा बैठा है, जो बीफ खा करके, जो गाय का मांस खा करके बीमार हुआ पड़ा था, उसको ये पता लग गया है कि योग करने से मेरी बहुत सारी समस्याओं का हल है। उसको ये पता लग गया है कि मेडिटेशन करने से जो हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या डिप्रेशन के अंदर जा रही है उसका हल है, उस डिप्रेशन से हम बाहर निकल सकते हैं। जब उनको इन दो समस्याओं का पता लग जाता है तो उस गोरे के अंदर जिज्ञासा होती है। वो गोरा दिहाड़ीदार नहीं है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दिहाड़ी पे ही है।
उसका खुद का घर है, वो फ्री रहता है, जैसे हिंदुस्तान में लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, फिर वो हिंदुज्म के बारे में रिसर्च करना करने लगता है, तब उसको समझ में आता है कि जो मैं अभी तक जीवन जी रहा था उसका तो कोई मूल्य नहीं था, जीवन जीने का द असली वे ऑफ लिविंग लाइफ इज हिंदुज्म। और तभी आप देख सकते हैं कि ये ढोल और ये दूसरे भक्ति के उपकरण लेके जो सड़कों पे हरे राम हरे कृष्ण, ये बैप्स वाले, इस्कॉन वाले, रशिया, नॉर्वे, हर जगह जो घूम रहे हैं, ये उसी का एक कारण है। तो ये इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो रिवाइवल हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, न कि 80 करोड़ हिंदुओं की वजह से, क्योंकि 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू तो 2014 के पहले भी थे, लेकिन वो कहां पड़े हुए थे, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। और हम जो हैं, हमने पीछे इंग्लैंड में और पूरे वेस्ट के अंदर पिछले 40 साल से हम गुरुद्वारे बना रहे थे, हम लंगर लोगों को खिला रहे थे, हम लोगों को ये समझाने में लगे हुए थे कि जो सिखी है, जो यंगेस्ट रिलीजन है इस दुनिया का, वो ही बहुत अच्छा है। लेकिन उस 40 साल के ऊपर ये 10 साल के अंदर भारी पड़ गया। इन्होंने तो लाखों गोरे जो है हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन हमारा, हम तो 10 गोरे भी नहीं इकट्ठे कर पाते। समस्या यहाँ है, समस्या तो सर क्या इन... जी नहीं, ये तो क्या खालिस्तान के नाम पर भारत का तो ये जमीन ले ही लेते यार। जो अभी भाई बहुत कहने पर तो एक मैप इन्होंने पिछले साल निकाला, अभी तक तो खाली एक शब्द चल रहा था खालिस्तान का, मैप नहीं था। और आज की डेट में आदमी पूछ रहा है कि भाई ठीक है तेनों खालिस्तान का मैप निकाल दिया, तेरा 3/4 पंजाब तो उधर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ननकाना साहब उधर है, करतारपुर कॉरिडोर उधर है, क्यों नहीं ले लिया तुम, पहले तो जब उसकी बात करो अगर इतने बड़े सिख हो। तो दूसरी बात यह है कि क्या ये लोग, जैसा एक मस्जिदों का इस्लाम का स्ट्रक्चर है कि मस्जिदों के माध्यम से मौलाना मुफ्ती बिठाए जाते हैं और पूरी एक जनता पे कंट्रोल करते हैं, चर्च ने भी यही किया, क्या ये उसी मोड में जा रहे थे, एक तीसरी वैसी प्रक्रिया बना रहे थे क्या अपनी? इनका देखिए, इनके अंदर जो इनकी कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो मतलब उस तरफ इनको लेके जा रहे हैं, जैसे इनके बच्चों के जो नाम आप जब देखेंगे तो उसके अंदर ज्यादातर बच्चों के नाम जो है वो उसी रिलीजन से आने लग गए हैं, मतलब इस्लाम से आने लग गए हैं, आप बहुत लोगों का बच्चों का नाम देखेंगे। तो दूसरा, जिस हिसाब से इनके क्रिया है, जैसे कि जो लड़कों को मार के बैरिकेड पे टांग देना, ये कोई सिख और हिंदुज्म नहीं कर सकता ये काम। पिछले किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा ही ना कि कैसे उसके आदमी के हाथ पैर काट करके जो है बैरिकेड पे लटका दिया, कोई सिख नहीं कर सकता ये काम साहब। ओरिजिनल जो एक्चुअल में जो सिख है वो ये काम नहीं कर सकता, बड़ा भयानक काम है, आपकी आत्मा को मार करके, और आपको बड़ा ही मतलब बड़ा ही दयाहीन होना पड़ता है। तो इन कुछ फीचर्स को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज और है, पता है इनको इनके समाज से इस बार समर्थन नहीं मिल रहा। आपको पता है परसों एक सिख लड़के का बलात्कार हो गया पाकिस्तान के अंदर, रेप हो गया उसका। अब आप सोच रहे हो कि महिलाओं, आप लड़के का बात बोल रहे हैं, लड़के का आप कह रहे हैं कि महिलाओं, घटना लड़के के साथ ही हुई है संदीप जी। जी, महिलाओं में तो हम सुनते थे, पुरुषों में अब महिलाएं तो खत्म हो गई हैं, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो 23% हिंदू और सिख थे पाकिस्तान के अंदर, आज ये 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है ये। उसके ऊपर ये लोग एक शब्द नहीं बोलते, इनका समाज अब इससे पूछता है, इनसे जो पढ़ा लिखा समाज है ना वो इनसे कहता है कि भैया उसके बारे में बोलो, वो 23% कहाँ गए, यहाँ पर हिंदुस्तान में तो 7% थे, ये तो बढ़ के 30% हो गए हैं, जो हम छोड़ के आए थे वो कहाँ है। ये न SGPC वाला कुछ बोलता है, और न ये किसान नेता कुछ बोलते हैं, न ये धर्म के ठेकेदार कुछ बोलते हैं, न ये वारिस पंजाब के कुछ बोलते हैं। दूसरे लोग, इनके लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि हमारी जो निचली जनसंख्या है उसको पूरा वाइप ऑफ कर दिया है, तुम यहाँ पर तो अपना खालसे का पूरा जोर दिखा रहे हो शंभू बॉर्डर पे, तो तुम जब क्रिश्चियनों की, जब ईसाई सभाओं में, चंगाई सभाओं में जाते हो तो वहां क्यों पत्थर मार दिए जाते हैं तुमको, उनका क्यों नहीं विरोध करते इतना जोर से, आप उनका भी तो विरोध करो ना। जो नानक इसमें जो गुरुद्वारा साहब था करतारपुर के उधर, जो एक गुरुद्वारा साहब थे, उनके ग्रंथी की बेटी को उठा लिया गया। इनका जो इकोसिस्टम है पूरे वेस्ट के अंदर, इन्होंने आज तक उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया, आज तक उससे ये नहीं पूछा कि भाई हमें ये तो बता दो कि वो लड़की है कहां,
ये आज तक यूएन में जाने की बात नहीं करी इन्होंने, जिस चीज को लेकर के यूएन में जाना चाहिए उस चीज को लेकर के नहीं जा रहे हैं कि जो एट्रोसाइट्स हो रही हैं सिखों के साथ पाकिस्तान के अंदर, जो उनकी पॉपुलेशन 23% से वाइप ऑफ होके 0 पॉइंट पे कुछ आ गई है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि इनका समाज इनका समर्थन नहीं कर रहा। मतलब समाज का अंदर सेंस ये है कि आप जट सिख को हटा दो जो किसान है, बाकी सोसाइटी बाकी पंजाब जो है इनका समर्थन क्यों नहीं कर रहा? इसी कारणों से नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिखी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज के चक्रों में है कि रजीम चेंज हो जाए, लेकिन रजीम चेंज होगी नहीं क्योंकि नंबर नहीं है तुम्हारे पास और उत्पात तुमको मचाने नहीं देंगे। बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने कहा और वो देखा जा रहा है। वो जो किसान आंदोलन पहला पार्ट था वो भी देखा गया, उसके बाद अमृतपाल का जो पूरा ड्रामा चला पंजाब में उस दौरान भी देखा गया, और अभी आपने उसको पॉइंट आउट किया कि इनको इनके शेष समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब अगर पंजाब की एक पूरी डेमोग्राफी की हम बात करें तो बहुत सारे दर्शक भी इस बात से चौंक जाते हैं कि अगर देश के किसी राज्य में सबसे बड़ी दलित आबादी है तो वो पंजाब है। लगभग ऑन रिकॉर्ड 37-38%, हालांकि उसको 36% भी कहा जाता है, ये देश में सबसे बड़ी आबादी है। अब आपने जब एक बात कहा कि समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये देश में भी देखा गया और आप वहां कनाडा की धरती से ये बात कह रहे हैं, ऐसे में क्या खालिस्तानी और सिख ये दो अलग अलग अस्तित्व हैं, ये कहना उचित होगा? मैं आसान भाषा में कहूं तो सारे सिख खालिस्तानी नहीं और खालिस्तानी सिख नहीं, ये दो अलग अलग आइडेंटिटी जैसी कोई बात है जब आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा और ये देखा अनुभव किया गया है। देखिए साहब, जो सिख है ना, जो मैं हिंदुस्तान के सिख को तो वहां का पूरा देश देख रहा है, जो कनाडा का जो सिख परिवार है ना साहब, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे और घरों की किस्तें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उसको कोई टाइम, उसको तो बेचारे को गुरुद्वारे या मंदिर जाने का भी टाइम नहीं है। चाहे हिंदू को मंदिर जाने का टाइम नहीं है, सिख को गुरुद्वारे जाने का टाइम नहीं है, वो तो बेचारा अपने शांति से अपने घर पे बैठा हुआ है। हिंदुस्तान में उसके पास 1 किला 2 किला 2.5 किला 3 किला जमीन थी, वो बेचाया है और यहाँ पर अपनी आराम से दिहाड़ी लगाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी दिहाड़ी पे चले जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं और रोटी बना के खा लेके सो जाते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको अगर प्रेशर करते हैं कि तुम आओ हमारी रैली में, तुसी तानू आना ही पैना, तानू कौम दी कोई फिक्र नहीं, तुही अपने लिए जिंदे हो, वो बेचारा क्या करता है कि चलो यार कौन मत्था मारेगा, कौन लड़ाई झगड़ा करेगा, कल को मेरे को कौम का गद्दार बता देंगे, मैं भी 10 मिनट खड़ा होके आ जाता हूँ। बाकी यहाँ पे आम पब्लिक के अंदर जो आम लोग हैं उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, न खालिस्तान को लेकर के कोई इंटरेस्ट है और न इनके कोई दूसरे व्यापारों को लेकर कोई इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं जो यहाँ पे अभी नई डेवलपमेंट हुई है, ये जो जितना कुछ भी पिछले 2 साल से चल रहा है ना, इसका अफेक्ट अब वेस्ट में भी आने लग गया है। वेस्ट के अंदर भी जगमीत सिंह को जो है कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर लोग हंसते हैं, क्योंकि इसकी ये जो बातें हैं ना, इन बातों को लेकर के लोग परेशान हो गए हैं। अब पहले यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे क्या होता था कि कोई सवाल नहीं पूछता था एक कॉमर्शियल व्हीकल के एक ट्रक ड्राइवर को, आज जैसे ही सेकेंड नेम जब वो सिंह देखते हैं ना, वो उसके ट्रक में कुत्ते बाड़ देते हैं। जो खोजी कुत्ते नहीं होते, जर्मन शेपर्ड जो अपनी आर्मी रखती है, उसके ट्रक में वो कुत्ते बाड़ देते हैं। क्यों बाड़ देते हैं? क्योंकि हर महीने हर हफ्ते एवरी वीक में 2-3 केस के अंदर मिलता है कि आज 10 मिलियन की ड्रग्स पकड़ी गई, आज 9 मिलियन की ड्रग्स पकड़ी गई, आज 8 मिलियन की ड्रग्स पकड़ी गई। अभी 6 महीने पहले ब्रिटिश कोलंबिया का एक बॉर्डर है, वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों पकड़े गए 8.6 मिलियन की ड्रग्स के साथ। हस्बैंड वाइफ ट्रक चलाते थे, दोनों पकड़े गए, बच्चों को सरकार ले गई। तो ये पूरा जो है ना, ये सिस्टम साहब, मतलब ये कुछ लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। जो आप नाम ले रहे थे ना के वाला, बस वो कुछ लोग ही हैं। कनाडा के अंदर उनकी संख्या 5,000-10,000 होगी, लेकिन नए लड़कों को अब ये रेडिकलाइज कर रहे हैं। नया बच्चा जो आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि इनके बच्चे तो इनकी बातों को मानते नहीं है,
इनके बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, इनके बच्चे जो है वो या तो डेंटिस्ट बन रहे हैं या डॉक्टर्स बन रहे हैं या लॉयर्स बन रहे हैं, और वो अपना वीकेंड पे आराम से डाउनटाउन जाते हैं और अपना फन करते हैं और मंडे से अपना काम, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनकी बात इनके साथ रहते भी नहीं, वो अपना अलग रहते हैं। लेकिन जो बच्चा स्टूडेंट इंडिया से आ रहा है वो बच्चा कोमल बच्चा है, और उसके दिमाग में वापस वही जहर भरा जा रहा है जो जहर 1980 के दशक में लोगों में फैला था। और ये जितने भी कनाडा की सड़कों पे उत्पात मचाते हैं, या आपके किसान आंदोलन में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे कनाडा के लड़के वहां पे इंग्लिश में बात करते हैं कि व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग अस टू गो, दिस इज अवर कंट्री, हाउ कैन यू डू सो एट्रोसाइट्स। ये जो इंग्लिश में बातें करने वाले हैं ये सारे वही स्टूडेंट हैं जो कनाडा से गए हैं। तो भारत से जो फसल आ रही है उस फसल का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ वाली फसल का कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है। प्रमोद जी, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपसे बात हुई थी तो आपने ये भी कहा था कि थोड़ा सा लंबा सवाल है कि एक तो पहले क्या था कि पहले भारत में वो व्यापार करने का या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो मजबूरी में फिर वो काम करने के लिए कनाडा के एक बेहतर माहौल में गए और वहां पे वो अपनी एक लाइफस्टाइल बहुत अच्छी उन्होंने कर ली, जो मौके थे तो दे हैड अ रीजन कि, और फिर वो यहाँ आते थे तो ऑफकोर्स यहाँ के लोग उनको जो बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे कि वो जी विदेश से आए हैं, कनाडा से आए हैं, ये है वो है, और वहाँ की वो फोटोज अपनी खींच के लाके दिखाते थे, और ऑफकोर्स यहाँ से लोग बेचैन होते थे कि हमारी लड़कियों की शादी इन लोगों से हो जाए और हमारी लड़कियों का जीवन बन जाए कनाडा जाके अगर चले जाए, तो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप आ जाता था जब ये वहां पहुंच जाते थे, पहुंचते ही आ जाता था, ठीक है। पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि दिन भर मेहनत कर रहे हैं और एक वो है, और अब शायद भारत में वो गरीबी या वो माहौल ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट है, बिजनेस है, सब कुछ है, गुड़गांव जैसे शहर है लाइफ जीने के लिए, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, यहाँ टूरिज्म है, सब कुछ है, मतलब कोई जो 25-30-50 लाख लगा के कनाडा जाता है पढ़ाई करने ग्रेजुएट बच्चा, वो यहाँ पे उतने में तो पता नहीं कितना बड़ा धंधा खोल लेगा, कितनी बढ़िया लाइफ जी लेगा। तो जो भारत का इक्विवेलेंस आ रहा है इनके साथ में या इनकी लाइफस्टाइल के साथ में, एक तो क्या उससे भी कि अब वो सुपीरियोरिटी नहीं रही, दूसरी बात कि भाई इतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पहले पाकिस्तान से पैसे मिल जाते थे, यस चलिए उनके पीछे पाकिस्तान के पीछे कुछ और लोग होंगे वो दे दे, कनाडा से भी दे देते, भारत में कांग्रेस भी चूंकि भिंडरांवाले की पैदाइश कांग्रेस ने की और बाद में चलो कांग्रेस ने ही निपटाया उसको, पर समर्थक थे खालिस्तान आंदोलन के लोग, पर मोदी जी के आने के बाद तो सबके स्रोत सूख गए हैं, पाकिस्तान खुद दिवालिया होता जा रहा है, कांग्रेस तो क्या हाल हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं, कनाडा का भी हाल फिलहाल देख ही रहे हैं कि वो खुद अपने क्राइसिस में जा रहा है, वेस्ट अपने क्राइसिस में जा रहा है, तो इनके फंड्स भी सूखते जा रहे हैं, तभी शायद ये ड्रग्स की ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, तो ये क्या हर तरफ से घिरते जा रहे हैं क्या, और फाइनेंशियल इनका लेवल घटता जा रहा है, व्हाट इज, या ये भी एक बड़ी वजह है क्या इनके फ्रस्ट्रेशन की? संदीप जी, आप ना एक परिवार वाले बंदे हो मेरे हिसाब से, ना मैं भी परिवार वाला हूँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए धूर्त और मकार बन जाओगे ना, तो आपका कोई भविष्य नहीं है उन बच्चों का। आप ये सोच लोगे ना कि यार मैं ब्रांडेड सूट बूट पहनता हूँ, बच्चों को सरकारी स्कूल में या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा देता हूँ, तो फिर वो मकारी हो जाती है, उसमें फिर किसी का कोई जोर नहीं चलता होता। मेरे मित्र हैं, एक दोस्त है ऑस्ट्रेलिया, उनका भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, वो खुद कनाडा के अंदर बहुत वेल एस्टैब्लिश बिजनेस है उनका, मिलियनर्स हैं, और उनका पिताजी जो है ना वो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। क्या सॉल्यूशन निकालोगे आप? है आपके पास कोई सॉल्यूशन? एक बेटा कनाडा के अंदर मिलियनर है, दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलियनर है, और उनके पिताजी जो है वो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो जो समाज का पूरा 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 सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। अब आप बात करते हैं फंड्स की, तो फंड्स की बात साहब ये है कि फंड्स अब है नहीं, क्योंकि कनाडा जो है वो खुद भुखमरी के कगार पे आ गया है। न तो इनके पास, आजकल इनके मिनिस्टर का बयान आया है कि साहब सड़कें सही हैं, सड़कों पे इन्वेस्टमेंट करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, बजट में $0 का एलोकेशन दिया है। और सड़कें साहब अगर आप रोड पे देखोगे ना कंडीशंस, तो पॉट होल इतने हुए पड़े हैं कि आपकी गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर किसी हाईवे पे चल गई तो अलाइनमेंट का काम मांग लेगी। ये हाल है इनकी सड़कों का। तो
महंगाई चरम पर है, जॉब्स है नहीं, पे रेट बढ़ नहीं रही है, तो जो फंड वाला सिस्टम था ना साहब, वो तो हो गया खत्म। 50,000 ट्रकिंग कंपनीज, 50,000 ट्रकिंग कंपनीज ने बैंकरप्सी फाइल करी है पिछले एक साल में। एक ट्रकिंग कंपनी है येलो स्टोन, 55,000 ट्रक थे उसके पास, 55,000 ट्रक्स, वो बैंकरप्सी फाइल कर गई साहब। तो फंड यहां पर तो अब है नहीं। दूसरा, उधर से अमित शाह ने चाबी कस रखी है, FCRA वाले जो लाइसेंस थे वो सारे के सारे रद्द कर दिए हैं। तो फंड तो साहब है नहीं। जो जुगाड़ हो रहा है वो पाकिस्तान से, अब देखते हैं कितने दिन जुगाड़ होता है। और उनके पास क्या है, वो तो खुद भीख मांग के खा रहे हैं। वो तो $1 बिलियन के लिए जो है वो 6 महीने से इनके कदमों में पड़े हुए हैं IMF वालों के। तो फंड नहीं है साहब अब यहाँ पर पे। और यही सिचुएशन अगर 2 साल चल गई तो फिर सौदा साफ है, फिर वापस आना पड़ेगा जिसके पास भारत की नागरिकता है। अब आप बात करते हैं कि ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है साहब, बताए क्या है, हिटलर के अंदर ना एक रेस सिंड्रोम था, रेस सिंड्रोम, कि उसको ये था कि मेरी रेस ही सुपीरियर है सबसे। और उस चक्कर में ना उसने यूरोपियंस को मार दिया, उस चक्कर में उसने सबको मार दिया। बाद में वो रशिया के साथ टकराया, तब उसको पता लगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी रेस सुपीरियर नहीं है, कोई और है सुपीरियर। तो इनके अंदर भी एक सिंड्रोम है, वो है सुप्रीमेसी सिंड्रोम। हम जो है सब कुछ, हम देश को अनाज खिलाते हैं, हम 6-6, 7-7 फुट के हैं, बाकी तो ये भैये लगते हैं, बाकी तो ये लगते हैं। तो इस सुप्रीमेसी सिंड्रोम के अंदर इनका समाज इतना डूब चुका है कि इनको अपने मूल्यों का कुछ पता ही है कि हमारा पतन कैसे हो रहा है, ये प्रॉब्लम है इनके अंदर। कोई इनका धार्मिक लीडर समझाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब डरते हैं कि अगर मुंह खोला तो ऐसा नहीं हो कि बैरिकेड से काट के लटका दिए जाए। तो इस सुप्रीमेसी सिंड्रोम भी इनको अंदर बहुत ज्यादा है। पहले विदेशों से अपने आप को यहां से ब्रांडेड चीजें पहन के जाते थे, आज पंजाब में बैठा हुआ ये यहां से जो है मान लीजिए गुच्ची पहन के जाते हैं, वो वहां पंजाब में जो रिश्तेदार हो पहले से लुइस विटोन पहन के बैठा हुआ है। ये यहाँ के एयरपोर्ट पे जब आप चढ़ते हैं तो बुरा हाल है, स्मेल आती रहती है कारपेट से, ट्रॉली मिलती नहीं है। वहां पे जब ये एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ये जब ये देखते हैं ना कि एलिवेटर्स चल रहे हैं, एलिवेटर्स पे ही खड़े हो जाओ, चलने की आवश्यकता भी नहीं है, तो भी वहां पे मतलब इंडिया में, मतलब जब दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप उतरते हो तो आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। Terminal 3 पे आप एलिवेटर पे खड़े हो जाओ, वो एलिवेटर अपने आप ही चलता रहेगा। लेकिन टोरंटो में तो नहीं है, ये कैलगरी में तो नहीं है। जिन रेस्टोरेंट्स की ये डालते थे फोटोग्राफ्स यहाँ पे कि ये देखो जी, उससे कहीं ज्यादा आलिशान रेस्टोरेंट्स आपको जलंधर और अमृतसर में मिल जाएंगे। जिन गाड़ियों की फोटोग्राफ्स ये यहाँ पे डालते थे, अब यहाँ पे मर्सिडीज के शोरूम में एक कस्टमर नहीं मिलता। और इंडिया के अंदर ऑन एवरेज डेली 50 मर्सिडीज बिक रही है। तो वो पैसा जो है वो कहीं ना कहीं घूम रहा है ना साहब, और वो पैसा घूम रहा है तो वो लोगों के पास आ रहा है, और वो लोगों के पास आ रहा है तो वो लाइफ स्टाइल में दिखता है। अब लाइफ स्टाइल में दिखता है तो इनको ये प्रॉब्लम होती है कि यार हम तो देश भी छोड़ आए, जमीन भी छोड़ आए, बच्चे थे वो भी हमारे हाथ से निकल गए, उनके तो बच्चे भी उनके पास में हैं, उनकी जमीनें भी उनके पास में हैं, वो आराम से, उनका कल्चर भी उनके पास है, उनके पास संस्कृति भी है, उनके पास सब कुछ है, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इवॉल्व होंगी क्योंकि वहां के कल्चर में पढ़ेंगी बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आगे उसको अडॉप्ट करेंगी। हमारा तो पॉज लग गया ना यहाँ पे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना जमीन रही, ना संस्कृति रही, ना धर्म रहा, ना कल्चर रहा, ना बच्चे रहे। तो वो बहुत समस्याएं हैं संदीप जी, बहुत समस्याएं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभो जी, आपने जो मैं पॉइंट अगला पूछना चाह रहा था, फिजिकलिटी की बात हो गई, इकोनॉमिक्स की बात हो गई, उसमें उनका फ्रस्ट्रेशन कैसे निकल के आ रहा है, क्योंकि कनाडा और बाकी सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, उसके बनस्पत आपने भारत के विकास की बात कर दी, वो कंपेरिजन दिखाई दे गया। मैं जिस चीज को एक बार फिर, हालांकि आपने जिक्र कर दिया है, कल्चरल डिटैचमेंट। देखिए होता क्या है कि आज कनाडा में लगभग कुछ तो ऐसे संख्या है जिनकी तीसरी या चौथी जनरेशन है,
कुछ ऐसी है जो थर्ड जनरेशन है, कुछ ऐसी है जो सेकेंड जनरेशन है, कुछ अभी छात्र जो गए हैं, तो एक जो कल्चरल डिटैचमेंट इनका हुआ है, और उसमें आपने बड़ा अच्छा किया भाई, जर जोरू जमीन हमारे यहाँ कहा जाता है ना, तो आप जोरू तो लेके गए लेकिन जर आपकी चली गई, जमीन आपकी चली गई, कल्चरल डिटैचमेंट आपका हो गया, तो ये सारा कुछ मिलके क्या एक डिप्रेशन इनके अंदर एज ए सोसाइटी खुद कोलैप्स करने की। और फिर एक एलिमेंट आता है ना साहब, डाह जिसको कहते हैं, जलन जिसको कहते हैं, जिससे कि विषाद उपजता है, फ्रस्ट्रेशन उपजता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा ले जाएंगे, तो ये कहीं इस तरह की चीजें तो नहीं? और इसका टाइम पीरियड कब तक देखते हैं, क्योंकि आप कनाडा में इनकी सोसाइटी को बड़ा नजदीक से देख रहे हैं, तो आखिर किस लेवल तक ये पहुंचे हैं? अभी शुरुआत है या एक लेवल का फ्रस्ट्रेशन पहुंच गया है, या ये डेटोरेटिंग में है, आखिर कब तक ये चलेगा साइकिल? सर देखिए, अभी तो क्या है कि अभी इनका ये जो इतना एग्रेसिव है ना, ये एग्रेसिवनेस इसीलिए है क्योंकि जो माओ ने पंजाब में, जिन माओ ने अपने बच्चों को बड़ी ही अच्छे तरीके से लालन पालन करके उनके अंदर सिखी के विचार भर के कनाडा भेजा था, उन बच्चों को भड़का करके और उन बच्चों को अपने साथ मिलाना, क्योंकि खुद की जो सेना जो है वो कमजोर हो गई है, खुद की सेना जो है वो बुढ़ी हो गई है, जब खालिस्तान के झंडे फुटबॉल के बाहर से जब भारत का झंडा लपेट करके और उसको लात मार रहे थे एक वीडियो के अंदर, तो सभी वो लोग थे जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बिल्कुल कोई भी काली दाढ़ी वाला उसमें नहीं था। तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ना, ये नई फौज नई खेप तैयार करने का चल रहा है कि जो आज के बच्चे हैं वो भूल चुके हैं कि भिंडरावाला कौन था, क्या हुआ था। सब कहते हैं कि यार जो हुआ छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार पे ध्यान दो। जो माएं हैं वो भी पंजाब में यही समझा के बेचती हैं कि बेटा छोड़ो तुम इन चक्रों को, तुम एक नई जिंदगी शुरुआत करने जा रहे हो। लेकिन वो जिंदगी यहाँ पे इनका पूरी एनर्जी इसी चीज में लग रही है कि नई खेप तैयार करो। अब आप सोचोगे कि ये कब तक चलेगा? ये लास्ट 5 या 10 साल हैं। जो पुरानी पीढ़ी थी वो वाइप ऑफ हो जाएगी क्योंकि वो उनका उम्र हो गई है, वो 10 साल और निकाल लेंगे। नई पीढ़ी के सामने साहब रोटी खाने की समस्या बहुत बड़ी है कनाडा के अंदर, मैं बता रहा हूं। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यहाँ पे उस हिसाब से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इनका सोशल स्ट्रक्चर है ना कि 5-5, 7-7, 8-8 बच्चे वालों को भी पैसे दे रहे हैं, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बच्चों को भी पैसा दे रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये ज्यादा टाइम सस्टेनेबल है नहीं। पहले ये सस्टेनेबल था, अब नहीं है। पहले ये ईमानदारी के ऊपर ये मॉडल था कि लोग ईमानदार थे, अपना टैक्स फाइल करते थे, वहां से पैसा आता था, वहां से सरकार देती थी। अब वो ईमानदारी है नहीं यहाँ पर। लोग जो है, इमिग्रेशन हो रहा है लेकिन उतना टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा और इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ब्रेड एंड बटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी दुकान है वो तो चलती रहती है, दुकान जो आदमी जब तक खुद नहीं शटर डालता तब तक वो बंद नहीं होती। आपने देखा होगा अपने शहरों के अंदर, आप सोचते होंगे कि यार इसने 4 गुटखे लटका रखे हैं और 2 सिगरेट की पैकेट लटका रखी है, ये क्यों बैठा हुआ है? तो वो बैठा रहेगा, वो जब तक वो खुद उस पर शटर नहीं डालता तब तक वो बैठा रहेगा। तो दुकान तो चलती रहेगी, दुकान नहीं बंद होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात, निकालने पाने को नहीं है कुछ। बिल्कुल संदीप जी, अगर आप अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा प्रमोद जी, क्योंकि क्या है आज ना, आपने हर बात को डिटेल तो दिया ही दिया है, पर मैं देख रहा हूँ अभी जो मेरी समझ हो रही है कि हो सकता है इसके पीछे भी बहुत अभी है बातें, तो और काफी ज्ञानवर्धन हुआ, काफी बहुत मतलब आंखें खुल गई हैं इस तरीके से भी। मैं दर्शकों को भी मैं चाहूंगा कि अपने कमेंट्स में हमारे जरूर बताएं कि कितने असहमत हैं और क्या उनको कैसा लगा प्रमोद जी की बातें जानकर सुनकर, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया है थोड़ा सा कि आखिर समस्या है क्या, और ये समस्या हम झेल रहे हैं, दिल्ली की जनता झेल रही है, हरियाणा पे बैठी हुई जनता झेल रही है, वो कहीं ना कहीं सारा असर हमारे जीवन पे आता है। हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। संदीप जी, तो एक बात मैं आपको कहना ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं बताएं प्लीज। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे ना, पंजाब में देखें या सिख देखें या किसान देखें,
उनको एक बात ये समझ लेना कि भैया हम वो बातें कर रहे हैं जो तुम्हारे धर्म गुरुओं को करनी चाहिए थी, जो तुम्हारे नेताओं को करनी चाहिए थी, ये हमारा काम नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम शंभू बॉर्डर चाहे 5 साल बैठे रहो, तुम भले ही जो है तुम्हारा पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास धर्म अपना है, हमारे पास कल्चर अपना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये बातें कर रहे हैं कि जाओ अपने लोगों के साथ बातें करो, जाओ अपने समाज के अंदर इन बदलावों को इम्प्लीमेंट करो। हमारी बातों को नेगेटिव मत लो कि ये तो जो है सरदार विरोधी हैं या ये सिख विरोधी हैं। हम सरदार विरोधी या सिख विरोधी नहीं हैं, हम तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं कि ये अराजकता का रास्ता छोड़ करके और अब तुम्हारी जो सोशल समस्याएं हैं, जो तुम्हारी सामाजिक समस्याएं हैं, उनके ऊपर फोकस करो, वरना खत्म हो जाओगे अगले 20 साल में। बिल्कुल बिल्कुल बात है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि बकायदा क्रिश्चियनिटी ने पांव जमा लिए हैं पंजाब की धरती पर और तीन चौथाई ये बड़ी बात है कि एक जिंदा समाज जो रिएक्ट करता है उस तरह से ये रिएक्शन नहीं दिख रहा, और यहीं से वो आपकी भावना निकल के आती है कि हमें कोई गरज नहीं है। लेकिन एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, और आप भी उसी सनातन के वट वृक्ष से निकले हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा केयर है। और जब सनातन भारत का वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो अपने ही कुटुंबजन को कैसे नहीं संवारेगा, तो ये नागरिकों की जिम्मेदारी होती है एक समाज का हिस्सेदार होने की वजह से। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि संदीप जी ये बातें क्रमशः चलती रहेंगी, और दर्शकों आज की बात प्रमोद जी के साथ एक इंट्रो बात थी, एक हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं। तो हम चाहते थे कि जब भी कभी पंजाब के अलगाववाद की बात होती है तो उसका कनाडा से तमाम रिश्ते, चाहे वो मैन पावर हो चाहे वो मनी पावर हो, वो रिश्ता जोड़ा जाता है। तो ये एक तापमान, हालांकि आप ठंडे में बैठे हुए हैं, लेकिन तापमान वहां से अलगाववादी मानसिकता की, ये हमने आज के इस शुरुआती बातचीत में प्रमोद जी के साथ जानने का प्रयास किया। अब दर्शक बताएंगे कि आगे किन एंगलों पर इस पूरी समस्या पर समय समय पर हम प्रमोद जी को दावत देते रहे और प्रमोद जी के साथ बात करें। तो मुझे लगता है कि संदीप जी आज की चर्चा यहां समाप्त करें आप। जी बिल्कुल, मुझे आगे का एक विषय लगता है, हम सिर्फ खालिस्तान की ही बात क्यों कर रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पर भी दर्शक बताएंगे, बहुत सारे हमारे डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पर भी वो नीचे बताएंगे प्रमोद जी से, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पर भी हम प्रमोद जी से बात करेंगे कि वेस्ट का क्या चरण हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी समय देने के लिए, इतना समय दिया आपने, बाहर इतना मतलब एफर्ट लगाया, मतलब मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, समझ नहीं। जी जी, और रवि सर बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और सही सवालों को सामने रखने के लिए। दर्शकों थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, और ये शेयर जरूर करें ये वीडियो, मतलब मैं मेरा इंसिस्टेंस रहेगा कि वीडियो जरूर शेयर करें, लोगों तक बताएं, लेके जाएं कि देखो असलियत क्या है, और चैनल लाइक चैनल सब्सक्राइब करें। आगे हम प्रमोद जी से और बहुत अन्य विद्वान लोगों से हम अलग अलग विषयों पर बिल्कुल बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, राम राम।